इंसान के पास जिंदगी में दो ही रास्ते होते हैं किसी भी परिस्थिति से बाहर आने के लिए। एक, या तो परिस्थिति से भाग ले या परिस्थिति में भाग ले। ये निर्णय करना उसके विवेक पर निर्भर करता है। जो परिस्थिति से भाग लेता है वो कायर, और जो परिस्थिति में भाग लेता है वो बनता है हीरो। स्वागत नहीं करोगे आप हमारा? सलमान, एनटीआर या प्रभास? नहीं, सही है भाई, पिक्चरें बहुत देखते हो आप। हीरो सिर्फ ये नहीं जो खलनायक से लड़ते हैं, हीरो वो भी होते हैं जो अपने आप को परिस्थितियों से उबार लेते हैं। अपने आप को विषम परिस्थितियों से निकाल हजारों दिलों पर राज करने की दास्तान, वही हीरो बन पाते हैं। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के डायमंड लीडर। मिस्टर प्रदीप कुमार साहू। यूं तो प्रदीप कुमार साहू एक जाना पहचाना नाम है, पर इस नाम की शुरुआत उड़ीसा के कंजार जिले के हरचंदनपुर पुलिस थाना पोस्ट पिथौगाड़ा गांव रंपाकोट से हुई। पिता श्री चिंतामणि साहू किसान थे और माता श्रीमती कलावती साहू गृहिणी। दो पुत्रियों के बाद 12/4/1986 को इनके घर पुत्र का जन्म हुआ, नाम प्रदीप रखा। परिवार में दो बड़ी बहन और एक छोटी बहन के साथ बचपन की शुरुआत हुई। प्राइमरी शिक्षा रंपाकोट गांव के प्राथमिक विद्यालय से शुरू की। दसवीं की जीपी हाई स्कूल से और बारहवीं महापट महाविद्यालय। और बीए करी ब्रजबंधु महाविद्यालय से। अब उम्र के एक पड़ाव को पार कर चुके थे तो आय का साधन देखना शुरू किया, पिता से मदद ली और अपने कपड़ों की दुकान शुरू कर दी। साल दो साल बाद वक्त ने पलटी खाई, व्यवसाय में नुकसान हो गया।
तो दुकान को बंद करना पड़ा। फिर पैसा कमाने के लिए मुंबई का रुख किया। 3 साल इधर उधर छोटी मोटी नौकरी की, पर अपने आप को स्थापित नहीं कर पाए, तो मुंबई छोड़ बेंगलोर चले आए। यहां फिर नई शुरुआत की और वीडियोकॉन D2H में टेक्नीशियन के तौर पर काम करने लगे। धूप और बरसात में अपने आप को तपाते और भिगोते अपने जीवन को यापन करने लगे। समय गुजर रहा था पर हालात वैसे के वैसे। अपने शहर से दूर, माता पिता से दूर, एक उम्मीद के सहारे वो चल रहे थे। तब एक अनजान व्यक्ति ने उनकी किस्मत पर दस्तक दी और उनके सपनों को पूरा करने का जरिया बताया। नेटवर्क मार्केटिंग की अग्रणी कंपनी सेफ शॉप के बारे में जानकारी दी। प्रदीप कुमार साहू ने उसे ज्वाइन कर लिया। लोगों से मिलने की शुरुआत हुई पर लोग जुड़ नहीं रहे थे तो निराशा हाथ लगी। इसी बीच वो अनजान व्यक्ति बीच मजदार में छोड़कर चला जा चुका था। प्रदीप अकेले हो गए। अपने अकेलेपन को दूर कैसे करें, अपने बिजनेस को कैसे आगे बढ़ाएं, अपने सपनों को कैसे पूरा करें, इसी घुटन में वो जी रहे थे। तब उनके साथ आए डायमंड लीडर के सोमा शंकर। वो उन्हें गाइड कर रहे थे, उन्हें मार्गदर्शन दे रहे थे। ट्रेनिंग का दौर चालू हुआ। कुशलता ट्रेनिंग के सेशन से पूर्ण होती तो मनोबल अपलाइन के सानिध्य में पूर्ण होने लगा। हताशा ने आशा के दौर में कदम रखा। जीत का पता, जीत का पता। इन मुट्ठियों में चांद तारे भर के, आसमां की हद से गुजर के, हो जा तू भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा, भीड़ से जुदा। कहने को चर्रा है तू, लोहे का चर्रा है तू, टूटी शमशीरों से ही हो। कर एक के बाद एक अपनी टीम को बढ़ाया। समय समय पर ट्रेनिंग प्रदीप की कुशलता को बढ़ा रही थी। कुशलता अनुभव के दौर तक पहुंच चुकी थी। अनुभव ने टीम को बड़ा किया। आज टीम 10,000 लोगों की बनी, जिससे वो बने शेफ शॉप कंपनी डायमंड लीडर। मैंने अपने निर्णय से सीखा है, अपने परिस्थितियों को अपने अनुकूल कर। उम्मीदों को हम
साकार दिया है। आँखों में जो सपने पाले हमने साकार किया है। तूफानों से बवंडरों से मचल के आँख मिलाते हैं। जहाँ जाने से मृत्यु पावे ढाल ढोक बढ़ जाते हैं। सकल विश्व के हम है विजेता जिसकी गवाही जग है। हमने पाई है